हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एकेडमी ऑफ अर्थ साइंसेज। मेरा नाम है तनवीर हैदर और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पैलेंटोलॉजी। जैसा कि पैलेंटोलॉजी को एक बहुत ही टफ सब्जेक्ट समझा जाता है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि पैलेंटोलॉजी को सिर्फ रट कर याद रखा जा सकता है, लेकिन मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे हम बहुत ही सिंपल मैनर में या ईजी मैनर में पैलेंटोलॉजी के साथ कैसे डील करेंगे, और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कैसे हम बहुत ही सिंपल तरीके से पैलेंटोलॉजी को समझ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमें अपना ये वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड केमिकल एनवायरनमेंट। तो दो केमिकल एनवायरनमेंट प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। तो क्या होता है, केमिकल एनवायरनमेंट एक बहुत ही डोमिनेंट रोल प्ले करता है किसके, फॉसिल्स के प्रिजर्वेशन या डेड ऑर्गेनिज्म के प्रिजर्वेशन में। तो ऑन द बेसिस ऑफ पीएच ऑफ वाटर द एनवायरनमेंट केमिकल एनवायरनमेंट डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज एल्कलाइन इन्वायरमेंट एंड सेकेंड वन इज एसिडिक इन्वायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ पी एच ऑफ वाटर, ऑन द बेसिस ऑफ पी एच ऑफ वाटर इज डिवाइडेड इन टू टू टाइप्स, एल्कलाइन इन्वायरमेंट एंड एसिडिक इन्वायरमेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ पी एच, इफ पी एच इज जनरली पी एच इज ग्रेटर देन 7 देन द इन्वायरमेंट विल बी एल्कलाइन, इफ पी एच इज less than 7 then the environment will be acidic। but in paleontology एक different criteria है किसमें, paleontology में जो chemical environment को define करने के लिए, and the criteria is 7.8। if the pH of water is greater than 7.8 then the environment will be alkaline, if the pH of water less than the 7.8 then the environment of sea water will be acidic environment। तो ये एक आपका बेसिक क्राइटेरिया है। जनरली हम क्या करते हैं, किसी भी पीएच के बेसिस पे जो हम इन्वायरमेंट डिफाइन करते हैं वो जनरली क्या होता है, हमारा जो 7 होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट होता है। तो ऑन तो जनरली क्या होता है, जो पीएच डिफाइन होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेटर देन 7 और लेस देन 7। तो इफ ग्रेटर देन 7 देन द इन्वायरमेंट विल बी अल्कलाइन और लेस देन 7 एसिडिक। बट इन पैलेंटोलॉजी ए डिफरेंट क्राइटेरिया विल बी इज अडॉप्टेड, दैट इज इफ आपका जो पीएच इज ग्रेटर देन 7.8 देन द क्या बोलते हैं, आपका इन्वायरमेंट विल बी अल्कलाइन, एंड आपका 7.8 से कम होगा तो आपका इन्वायरमेंट क्या होगा, एसिडिक होगा। अब जो हमारा पीएच होता है वो डिफरेंट आपके बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, आपका H+ कंसंट्रेशन, CO2 कंसंट्रेशन, टेम्परेचर ऑफ द वाटर, डेप्थ ऑफ द वाटर और विथ लेटीट्यूड और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ये सारे फैक्टर्स हैं जिससे क्या होता है, आपका पीएच वैल्यू अफेक्ट होता है। तो जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है वो क्या होता है, CO2 कंसंट्रेशन पे होता है। पीएच ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द CO2 कंसंट्रेशन, लार्जली डिपेंड्स अपॉन द CO2 कंसंट्रेशन। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस वाया रिएक्शन, क्या डिजॉल्व CO2 इन वाटर, क्या होता है कि हमारा अगर जो CO2 हो क्या है वाटर में डिजॉल्व हो तो क्या होगा, आपका ये क्या बनाएगा, H2CO3। आपका क्या होगा, जो डिजॉल्व सी वाटर में क्या है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व है, तो वो क्या होगा, आपका रिएक्ट करके वाटर के साथ क्या बनाएगा, वो कार्बोनिक एसिड, इट विल फॉर्म कार्बोनिक एसिड एंड इट इज ए अनस्टेबल स्टेट ऑफ कार्बोनिक एसिड, अनस्टेबल स्टेट होता है। तो क्या होता है, ये इस स्टेट में क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है। सो ये क्या होता है, फर्दर डिसोसिएट होता है किसमें, आपके H+ एटम एंड बाइकार्बोनेट में, यह CO3-। ये क्या होता है, एक आपका क्या होता है डिसोसिएट इनटू वन हाइड्रोजन एटम एंड दिस इज आपका बाइकार्बोनेट, और इट विल फर्दर डिसोसिएट इनटू 2H+ आयन्स प्लस कार्बोनेट आयन। ये क्या होता है, आपका कार्बोनेट आयन। ये तो एक जनरल क्या है, एक जनरल आपका रिलेशन है बिटवीन आपका जो डिजॉल्व CO2 इन वाटर। तो
तो उसके बेसिस पे क्या होगा, उसमें ये रिएक्शन होंगे कि आपका कि CO2H2 रिएक्ट करके आपका कार्बोनिक एसिड बना रहा है, जो कि क्या होता है अनस्टेबल स्टेट में होता है। तो ये अनस्टेबल होने के कारण क्या होता है, ये फर्दर डिसोसिएट होता है किसमें, आपके H+ आयन में और बाइकार्बोनेट में, वो फर्दर डिसोसिएट होता है आपके 2+ H आयन में और आपका कार्बोनेट आयन में। तो ये होता है अगर कंसनट्रेशन क्या हो CO2 का वाटर में हाई हो, कंसनट्रेशन क्या हो ये वाला कंडीशन, आपका कंसनट्रेशन क्या हो वाटर में क्या हो CO2 हाई है, तो pH कैसे कम होगा तो उसको देखते हैं। अगर कंसनट्रेशन CO2 का हाई है तो इट विल फर्दर रिएक्ट विथ दिस, तो क्या होगा कि CO2+H2O आपका डिजोल्व CO2 इन वाटर, CO2+H2O और क्या होगा रिएक्ट करेगा वो किसके साथ, कार्बोनेट आयन के साथ SCO3, एंड इट विल फॉर्म बाइकार्बोनेट। सो अगर CO2 कंसनट्रेशन क्या हो रहा है, अगर आपका CO2 कंसनट्रेशन क्या होगा वाटर में हाई होगा तो आपका क्या होगा ये ज़्यादा कंज्यूम होगा वाया दिस रिएक्शन, तो ये क्या होगा आपका कंज्यूम होगा तो इसका कंसनट्रेशन क्या होगा कम होगा। अगर इसका कंसनट्रेशन कम होगा तो किसका कंसनट्रेशन इंक्रीज होगा, बाइकार्बोनेट का कंसनट्रेशन क्या हो रहा है यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। आप ये रिएक्शन से देख सकते हैं कि आपका अगर क्या है कि आपका दो क्या हाइड्रोजन आयन है और क्या है एक आपका बाई कार्बोनेट आयन है, अगर CO2 कंसनट्रेशन क्या है वाटर में क्या है हाई होगा तो ये क्या करेगा फर्दर रिएक्ट करेगा किससे, आपके कार्बोनेट आयन से रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म करेगा बाइकार्बोनेट फॉर्म करेगा। तो इस तरीके से क्या होता है आपका बाइकार्बोनेट इंक्रीज होता है और कार्बोनेट डिक्रीज होता है। अगर आपका कार्बोनेट आयन डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या इसका मतलब, ये आपके CA के साथ क्या होगा कैल्शियम के साथ ये आपका रिएक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि अवेलेबल नहीं है आपका, ये क्या हो जाए यहाँ पे कंज्यूम हो जा रहा है तो अवेलेबल नहीं है तो ये क्या होगा CaCO3 फॉर्म नहीं करेगा। तो अगर CO2 कंसनट्रेशन वाटर में ज़्यादा है तो आपका क्या हो रहा है H+ एटम क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। अब H+ एटम इंक्रीज हो रहा है मतलब pH आपका क्या होगा डिक्रीज होगा, क्योंकि आपका जो pH और H+ आयन का रिलेशन है वो क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी H+ आयन। तो pH ऑफ क्या होता है pH क्या होता है फॉर्मूला ऑफ pH log 10 H+, तो क्या होता है इससे क्या हो सकता है हम ये निकाल सकते हैं कि आपका जो pH है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि इसके H+ आयन के। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है आपका H+ आयन इंक्रीज हो रहा है, अगर H+ आयन इंक्रीज हो रहा है मतलब आपका क्या हो रहा है pH डिक्रीज हो रहा है। अब ये आपका H+ आयन इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका CO2 कंसनट्रेशन इन वाटर इंक्रीज हो रहा है, तो ये अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो pH क्या होगा डिक्रीज होगा। ये दो रिलेशन क्या हो गए आपके हो गए। अब देखते हैं कि नेक्स्ट रिलेशन क्या है आपका टेम्परेचर का क्या रिलेशन है pH के साथ। तो अब टेम्परेचर का रिलेशन देखते हैं pH के साथ। तो अगर हम अगर बात करें कि आपका अगर ये C है तो एक सर्टन डेप्थ तक क्या होते हैं आपके जो सनलाइट होते हैं वो पेनिट्रेट करते हैं, तो जिस डेप्थ तक आपका सनलाइट पेनिट्रेट करता है उसको क्या कहते हैं फोटिक जोन कहते हैं फोटिक जोन। और जहाँ तक आपका सनलाइट नहीं पहुँच पाता जिसके नीचे बिलो द फोटिक जोन क्या होता है आपका अफोटिक जोन होता है अफोटिक जोन। अब क्या होता है इन फोटिक जोन आपका वहाँ पे क्या होता है कि आपके जो फौना जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं उनका कंसनट्रेशन क्या होगा हाई होगा, और उनका कंसनट्रेशन हाई होगा तो वो क्या करेंगे सनलाइट की अवेलेबिलिटी में क्या करते हैं वो CO2 कंज्यूम करके क्या करते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है हमारा CO2 कंज्यूम हो रहा है। अब CO2 कंज्यूम हो रहा है मतलब CO2 डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू दी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब CO2 क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो हमारा रिलेशन कैसा है यहाँ पे कि अगर CO2 इंक्रीज होगा तो pH क्या होगा डिक्रीज होगा, अगर CO2 डिक्रीज होगा तो pH क्या होगा pH इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इनडायरेक्टली किससे रिलेटेड हो रहा है ये टेम्परेचर के इफेक्ट से। टेम्परेचर हाई है तो CO2 कंसनट्रेशन टेम्परेचर हाई देन फोटोसिंथेसिस विल बी हाई, सो CO2 कंसनट्रेशन डिक्रीजेज इन दी वाटर। अब CO2 कंसनट्रेशन डिक्रीज होगा तो हमारा pH क्या होगा ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, क्योंकि CO2 डिक्रीज होगा तो H+ आयन का क्या होगा कंसनट्रेशन कम होगा क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करेगा उसके साथ। तो H+ आयन का कंसनट्रेशन डिक्रीज होगा तो हमारा क्या होगा pH इंक्रीज हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा आपका फोटिक जोन में आपका हाई टेम्परेचर होने की वजह से आपका कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन कम है और pH हाई हो जाएगा। तो क्या है क्या का रिलेशन है कि टेम्परेचर ज़्यादा है तो pH भी ज़्यादा है। सिमिलरली अगर हम अफोटिक जोन में बात करें अफोटिक जोन में क्या होता है ड्यू टू दी अबंडेंस ऑफ फौना मेराइन फौना मतलब एनिमल्स आपके बहुत सारे वहाँ पे हैं
तो एनिमल्स क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा होगा तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा तो ये फर्दर रिएक्ट करेगा H2O पर CO2 फॉर्म H2CO3 फॉर्म करेगा, ये डिसोसिएट होगा एंड ये वाला प्रोसेस आएगा, तो हमारा क्या है कि H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब H+ आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो pH क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये क्या हो रहा है कि टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है यहाँ पे, तो टेम्परेचर जब डिक्रीज हो रहा है तो हमारा CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। अब CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो हमारा H+ आयन इंक्रीज हो रहा है। अब H+ आयन इंक्रीज हो रहा है तो हमारा pH क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये क्या है कि एक रिलेशन है बिटवीन टेम्परेचर एंड pH ऑफ द वाटर। सिमिलरली अगर हम डेप्थ के रिस्पेक्ट में बात करें तो विथ डेप्थ क्या होता है आपका, विथ डेप्थ आपका क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, टेम्परेचर ऑफ वाटर डिक्रीज विथ डेप्थ। तो टेम्परेचर जब डिक्रीज होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो CO2 इंक्रीज होगा, CO2 इंक्रीज होगा तो H+ आयन इंक्रीज होगा, अब H+ आयन इंक्रीज होगा तो pH इंक्रीज होगा, जब pH इंक्रीज होगा तो आपका क्या होगा, ये रिलेशन आ गया कि डेप्थ इंक्रीज हो रहा है तो pH डिक्रीज होगा। क्लियर है, pH क्या हो गया आपका, डिक्रीज हो गया। सिमिलरली हम अगर लेटीट्यूड के रिस्पेक्ट में बात करें तो जब हम क्या होगा ग्लोब में फ्रॉम इक्वेटर टू क्या होता है, इक्वेटर 0 डिग्री टू 90 डिग्री क्या होगा, पोल पे जाएंगे ऐसे, यहाँ होगा आपका क्या होगा, टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज करता है। जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, CO2 इंक्रीज करेगा, CO2 इंक्रीज करेगा तो H+ आयन इंक्रीज होगा, अब H+ आयन इंक्रीज होगा तो pH डिक्रीज होगा, तो विथ लेटीट्यूड pH विल डिक्रीजेस। सिमिलरली अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीजेस देन pH विल भी डिक्रीजेस। पार्शियल प्रेशर मीन्स हायर द कंसनट्रेशन ऑफ CO2, हायर विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा वाटर में CO2 का, उतना ज़्यादा क्या होगा, पार्शियल प्रेशर भी हाई होगा, किसका, CO2 का, क्योंकि पर मॉलिक्यूल आपका प्रेशर क्या लगाया गया, CO2। जितना ज़्यादा CO2 कंसंट्रेशन होगा पर मॉलिक्यूल प्रेशर आपका CO2 का इंक्रीज होगा। तो क्या होगा, CO2 इंक्रीज होने से पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज होगा और pH आपका डिक्रीज होगा, क्योंकि H+ आयन के रिस्पेक्ट में आपका क्या हो रहा, pH डिक्रीज हो जाएगा। ये सारे प्रोसेस थे किसके, आपके रिलेशन है pH के साथ। यहाँ से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं कि pH अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, या कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा तो क्या प्रेसिपिटेट होगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि आपका CO2 कंसंट्रेशन अगर कम हो, अगर CO2 कंसंट्रेशन कम होगा मतलब है पर बहुत कम है, तो CO2 आपका रिएक्ट करके यहाँ तक तो प्रोसेस आएगा, क्या होगा आपका H2H+ आयन और CO3 फॉर्म करेंगे, लेकिन CO3 क्या होगा, अभी आपका अवेलेबल है किसके लिए, आपके CA के साथ रिएक्ट करने के लिए। तो कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके वो क्या प्रिसिपिटेट करेगा, CaCO3 प्रिसिपिटेट करेगा। तो हमारा अगर क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन कम है तो हमारा क्या प्रिसिपिटेट हो रहा है, CaCO3 प्रिसिपिटेट हो रहा है। मींस अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम है तो क्या हो रहा है, pH क्या होगा, ज़्यादा होगा, उस टाइम पे क्या हो रहा है हमारा, CaCO3 प्रिसिपिटेट हो रहा है। pH ज़्यादा है मीन्स इन्वायरमेंट कैसा है, एल्कलाइन है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, वो कैसे इन्वायरमेंट में प्रिसिपिटेट होता है, एल्कलाइन इन्वायरमेंट में प्रिसिपिटेट होता है। सिमिलरली अगर बहुत सारे क्वेश्चन आपके किससे भी आते हैं, CCD से आते हैं, तो CCD क्या होता है, हमारा कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ होता है, CCD कैल्शियम कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ। तो इससे भी ये आपका टोटली डिपेंड किस पे करता है, आपके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आइदर आपका क्या है इन्वायरमेंट, अगर अल्कलाइन है तो वहाँ पे बिहेवियर क्या होगा, डिजोल्यूशन या प्रिसिपिटेशन ऑफ CaCO3 हाई है या कम है, उस बेसिस पे हमने CCD को डिफाइन करते हैं। तो मान लीजिए ये एक डेप्थ क्या है आपका C है, यहाँ पे एक सर्टन डेप्थ होता है जो क्या होता है CCD का होता है, जिसको क्या बोलते हैं, कार्बोनेट कॉम्पेंसेशन डेप्थ, और इवन क्या कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ, CCCD कैल्शियम कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ। तो क्या होता है, ये जो CCD होता है वो क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है, pH ऑफ द वाटर। अब pH हम क्या हो रहा है, pH किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, CO2 कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ द वाटर, डेप्थ ऑफ द वाटर, लेटीट्यूड ऑफ द वाटर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो ये सारे जो आपके फैक्टर्स हैं वो किसको अफेक्ट कर रहे हैं, pH ऑफ द वाटर को क्या अफेक्ट कर रहे हैं। अगर आपका ये CCD किस पर डिपेंड करता है, pH पर डिपेंड करता है, तो साइमल्टेनियसली ये किस पर डिपेंड करेगा, इन सारे फैक्टर्स पर भी डिपेंड करेगा। तो डिफरेंट लेटीट्यूड या डिफरेंट डेप्थ या डिफरेंट टेम्परेचर, CO2 कंसंट्रेशन के बेसिस पे भी आपके जो होते हैं CCD का डेप्थ वेरी करता है, विथ रीजंस आपके
क्या होगा, सीसीडी का जो डेप्थ होगा फ्रॉम द सरफेस वो क्या होगा, वेरी करेगा, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, अफेक्ट करते हैं उसको। तो हम समझते हैं कि सीसीडी क्या होता है। तो सीसीडी जो होता है वो टोटली किस पर डिपेंड करता है, कैल्शियम कार्बोनेट के प्रिसिपिटेशन या डिसोल्यूशन पे, सप्लाई ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 या कार्बोनेट सप्लाई, और किस पे डिपेंड कर रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ CaCO3। तो सीसीडी या जो ये इन्वायरमेंट होता है आपका जिसके बेसिस पे सीसीडी डिफाइन हो रहा है वो किस पे दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सप्लाई ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड डिसोल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम देखते हैं कि इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसके अबव एक जोन होता है, एक बिलो एक जोन होता है सीसीडी के बिलो। तो ये जो डेप्थ होता है सीसीडी का वो इन सारे सेवरल आपके जो क्या है फैक्टर्स हैं उन पर डिपेंड करता है। अब हम देखते हैं कि क्या होगा सीसीडी के ऊपर क्या है, मतलब लगभग आपका फोटिक जोन में क्या होगा, CO2 कंजप्शन ज़्यादा है, तो CO2 कंजप्शन ज़्यादा है मीन्स H+ एटम कम है मतलब pH हाई है। तो pH हाई है मीन्स इन्वायरमेंट कैसा है आपका, यहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा है आपका, अल्केलाइन है। सिमिलरली आपका सीसीडी के नीचे यानी अफोटिक जोन में क्या होगा, आपका अफोटिक जोन में क्या होता है, हमारे CO2 रिलीज होते हैं या CO2 कंसंट्रेशन हाई होता है। CO2 कंसंट्रेशन हाई होगा तो H+ एटम हाई होगा। अब H+ एटम हाई होगा तो हमारा pH क्या होगा, लो होगा, मतलब इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा आपका, एसिडिक इन्वायरमेंट, और ये क्या है, अल्कलाइन इन्वायरमेंट। अब हम देखते हैं कि अगर आपका क्या है कि अल्कलाइन इन्वायरमेंट है, CO2 कंसंट्रेशन कम है, तो अगर CO2 कंसंट्रेशन कम है तो हमारा जो होगा आपके क्या होंगे बाई का जो कार्बोनेट है वो आयंस आपके लार्ज अमाउंट में क्या होंगे, अवेलेबल होंगे, तो इट विल फर्दर रिएक्ट विथ CA। तो CA के आयन कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके वो क्या प्रिसिपिटेट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट प्रिसिपिटेट करेंगे। तो इस जोन में क्या होता है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट प्रिसिपिटेट होता है। अब एसिडिक इन्वायरमेंट में क्या होता है, हमारे CO2 कंसंट्रेशन हाई होता है। अब CO2 कंसंट्रेशन हाई है मींस आपका H+ एटम हाई है मींस pH क्या है, लो है। तो जब H+ कंसंट्रेशन हाई है तो हमारा क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हाई होने की वजह से क्या हो रहा है, ये CO3 क्या हो रहा है आपका, वाटर में डिजोल्व हो जा रहा है, फर्दर रिएक्ट करके क्या हो रहा है आपका, बाइकार्बोनेट बन जा रहा है। तो आपकी इसका क्या रहा, CO3 का कंजम्पशन हो रहा है, तो CO3 अवेलेबल ही नहीं है कैल्शियम के साथ रिएक्ट करने के लिए, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, यहाँ पे प्रिसिपिटेट नहीं होगा। तो यहाँ पे किस फॉर्म में होगा, वो डिजोल्व फॉर्म में होगा, क्या एसिडिक इन्वायरमेंट में आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो डिजोल्व होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल ऑफ दिस हम ये कह सकते हैं कि अबव द सीसीडी आपका जो था सप्लाई ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज ग्रेटर देन द डिजोल्यूशन ऑफ इन दिस इन्वायरमेंट। तो क्या होता है, सप्लाई ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज ग्रेटर देन द डिजोल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज वाई इज प्रिसिपिटेटेड CO3 कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, प्रिसिपिटेट हो रहा है। सिमिलरली अगर हम इस जोन की बात करें आपका क्या एसिडिक जोन में, तो सप्लाई ऑफ क्या है, सप्लाई ऑफ CaCO3 आपके यहाँ पे क्या है, जो एसिडिक इन्वायरमेंट में क्या होता है, हमारा pH लो होता है, pH लो है मीन्स CO2 क्या है, हाई है। तो CO2 हाई होगा तो हमारा क्या होगा, आपका जो कार्बोनेट आयन है वो क्या होगा, कंज्यूम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका डिजोल्यूशन का रेट ऑफ CaCO3 हाई होगा। तो यहाँ पे क्या, डिजोल्यूशन ऑफ CaCO3 हाई है एज कम्पेयर टू सप्लाई ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो सप्लाई कैल्शियम कार्बोनेट का सप्लाई कम है और डिजोल्यूशन हाई है मीन्स यहाँ पे ऑलवेज आपका CaCO3 क्या होगा, डिजोल्व फॉर्म में रहेगा। सिमिलरली अगर हम सीसीडी की बात करें तो सीसीडी एक पर्टिकुलर एक डेप्थ या एक रेंज होता है जहाँ पे क्या होते हैं हमारे सप्लाई ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू द डिजोल्यूशन ऑफ CaCO3। मतलब इस जोन में क्या होता है, दे बोथ आर इक्वल। तो देखा इज ए इक्विबिलियम रेंज, डेप्थ रेंज होता है जहाँ पे क्या होता है सप्लाई ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू द डिजोल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड कंपनसेशन डेप्थ। कंपनसेशन मीन इक्विबिलियम, इक्विबिलियम किसके कैसे इक्विबिलियम होता है कि सप्लाई ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू द डिजोल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब दे बोथ आर इक्वल, रेट ऑफ सप्लाई ऑफ CaCO3 और रेट ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ CaCO3 बोथ आर इक्वल इन इक्विबिलियम, सो दैट इज वाई इज कॉल्ड कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ।
तो ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, डिजोल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, द टोटल इन्वायरमेंट डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, अल्कलाइन इन्वायरमेंट, एसिडिक इन्वायरमेंट एंड सीसीडी. तो सीसीडी बेसिकली इज कॉल्ड कार्बोनेट कंपोजिशन डेप्थ, वेयर सप्लाई ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू द डिजोल्यूशन ऑफ CaCO3. तो ये क्या है आपके जो केमिकल इन्वायरमेंट है, ये क्या है टोटली क्वेश्चन आपके इसी पे डिपेंड होते हैं. आइदर क्वेश्चन विल आस्क फ्रॉम दी कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ, कि कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा. अगर टेम्परेचर हाई होगा तो पीए मतलब टोटली कार्बन कंपनसेशन डिपेंड अपॉन द इन्वायरमेंट ऑफ द वाटर. तो इन्वायरमेंट किस पर डिपेंड कर रहा है हमारा, पीएच ऑफ द वाटर. तो पीएच ऑफ वाटर किस पर डिपेंड कर रहा है, दे आर डिपेंड ऑन द एच प्लस कंसनट्रेशन, सी ओ टू कंसनट्रेशन, टेम्परेचर ऑफ द वाटर, डेप्थ ऑफ द वाटर, लेटीट्यूड एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ सी ओ टू. तो हमारे क्या होंगे जो कार्बोनेट या सी सी डी का जो डेप्थ होगा वो भी किस पे डिपेंड करेगा, इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा. सिमिलरली आप देख सकते हैं यहाँ से, आप कर सकते हैं कि आपको पूरा अगर ये प्रोसेस समझ में आ चुका है कि कैसे कैसे डिसोसिएट हो रहे हैं, किसके कंसनट्रेशन इंक्रीज होने से पी एच कैसे अफेक्ट हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी. तो क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, और क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं कि आपका जो पीएच इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व होगा या सीपरेट होगा. और एक क्वेश्चन आते हैं पैलेंटोलॉजी में आपके यहाँ से कि आपके जो अबव द सीसीडी कैसे फॉसिल्स मिलेंगे या कैसे टेस्ट या कैसे स्केलेटन वाले ऑर्गेनिज्म लिव करेंगे एसिडिक इन्वायरमेंट में या अल्कलाइन इन्वायरमेंट में. तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, CaCO3 प्रिसिपिटेट हो रहा है, मतलब और यहाँ पे क्या हो रहा है CaCO3 डिजोल्यूशन का रेट हाई है. तो यहाँ पे अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जिसका टेस्ट या सेल का कंपोजिशन क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, तो उसका सेल क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा, तो वो यहाँ पे लीव नहीं कर पाएगा. दिस इज नॉट सुटेबल फॉर दैट ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पे क्या होंगे हमारे जो कैल्शियम कार्बोनेट के या कैल्केरियस टेस्ट या सेल के जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो कहाँ लीव करेंगे, अल्कलाइन इन्वायरमेंट में लीव करेंगे. तो इन्वायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म के सेल या टेस्ट के कंपोजिशन के बेसिस पे हम उनके पेलियो इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी कर सकते हैं. अगर कैसा अगर उसका सेल का टेस्ट का कंपोजिशन है क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो हम कह सकते हैं कि वो अल्कलाइन इन्वायरमेंट में लीव करता था. अगर उसका सेल का कंपोजिशन अदर देन क्या है आपका, जैसे मान लीजिए सिलिशियस कंपोजिशन का है, एसिडिक इन्वायरमेंट में हमारे क्या होते हैं सिलिशियस आपके जो मेटर होते हैं वो प्रिसिपिटेट होते हैं. तो आपका एसिडिक इन्वायरमेंट में कह सकते हैं सिलिशियस जो आपके फॉसिल्स होंगे या सिलिशियस और टेस्ट वाले जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो कहाँ लिव करेंगे, एसिडिक इन्वायरमेंट में करेंगे. तो सिमिलरली जैसे हमारे क्या होते हैं आपका फोरामिनीफेरा हो गए, फोरामिनीफेरा और कोरल्स हो गए. तो कोरल्स ये दोनों इनका टेस्ट कैसा होता है, मोस्टली आपका कैल्केरियस टेस्ट होता है. तो ये कैसे इन्वायरमेंट में क्या करेंगे लिव करेंगे, अल्कलाइन इन्वायरमेंट में लिव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रिसिपिटेशन क्या है CO3 का प्रिसिपिटेशन हाई है एज कम्पेयर टू दी डिजोल्यूशन रेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. सिमिलरली अगर एसिडिक इन्वायरमेंट में करें तो ये फोरामिनीफेरा और कोरल यहाँ पे क्या होंगे, विद इन एसिडिक इन्वायरमेंट वहाँ लिव नहीं कर पाएंगे. तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या होगा फेवरेबल कंडीशन नहीं है किनके, फोरामिनीफेरा के लिए. दिस आर दी फेवरेबल कंडीशन फॉर दी फेरामिना फोरामिनीफेरा एंड कोरल. सिमिलरली एसिडिक इन्वायरमेंट में जैसे हमारे फॉर एग्जाम्पल डायटम्स हो गए, आपका रेडोरेजियन हो गए, उनके टेस्ट का कंपोजिशन क्या होता है, सिलिशियस होता है. तो वो कैसे इन्वायरमेंट में आपके लिव करते हैं या उनके फॉसिल्स कैसे इन्वायरमेंट में प्रिजर्व होंगे, तो होगा एसिडिक इन्वायरमेंट में. तो केमिकल इन्वायरमेंट हमारे किसी भी फॉसिल्स के प्रिजर्व होने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर आपका टेस्ट के कंपोजिशन सिलिशियस है और वो अल्कलाइन इन्वायरमेंट में अगर वो प्रिजर्व होगा तो वो प्रिजर्व नहीं हो पाएगा, बिकॉज दे डिजॉल्व इन दी अल्कलाइन इन्वायरमेंट. सिमिलरली आपका अगर हमारा कोई एसिडिक इन्वायरमेंट में वहाँ पे कैल्केरियस सेल्स के कोई ऑर्गेनिज्म अगर प्रिसिपिटेट या प्रिजर्व होंगे ऑर्गेनिज्म, डेड बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो वहाँ पे प्रिजर्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे इस यहाँ पे क्या होता है डिजोल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रेट क्या होता है, हाई होता है. तो एक सिंपल सा आप ग्राफ समझ सकते हैं कि इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए कि यहाँ पे दो एक्सिस है, ये एक्सिस पे क्या है पीएच है, यहाँ पे हम दो कर्व ड्रॉ कर लेते हैं, दो कर्व है. अलोंग द वाई एक्सिस क्या हो रहा है हमारा, डिजोल्यूशन का रेट है, डिजोल्यूशन का रेट है. अलोंग द एक्स एक्सिस हमारा क्या है पीएच है, जो कि क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन में इंक्रीज. ये जो क्राइटेरिया है ये क्या है 7.8 है. इन पैलेंटोलॉजी वी पीएच डिफाइंड बाई दी 7.8 जो होता है वहाँ से हम डिफाइन करते हैं ग्रेटर देन, आइदर ग्रेटर और लेस देन. तो हमारा होता है कि अब इसको अगर इधर डिजोल्यूशन का रेट क्या है, इधर हाई है, तो हमारा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, हमारा प्रिसिपिटेशन का रेट हाई होगा, प्रिसिपिटेशन रेट.
अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, नीचे की डाउनवर्ड क्या होगा, प्रेसिपिटेशन इंक्रीज होगा, अपवर्ड क्या होगा आपका डिजोल्यूशन रेट इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे आपको दो कर्व दिख रहे होंगे कि ये जो फर्स्ट कर्व है क्या हो रहा है कि जैसे जैसे पीएच इंक्रीज हो रहा है तो आपका क्या हो रहा है, डिजोल्यूशन उसका कम हो रहा है, प्रेसिपिटेशन इंक्रीज हो रहा है, मतलब पीएच ग्रेटर देन 7.8 मींस इधर आपका क्या है, अल्कलाइन इन्वायरमेंट है, अल्कलाइन इन्वायरमेंट, और लेस देन 7.8 इट इज एसिडिक इन्वायरमेंट। तो फर्स्ट एंड सेकेंड कर्व शो क्या शो कर रहा है कि आपका जैसे जैसे क्या हो रहा है, पीएच इंक्रीज हो रहा है, मतलब फ्रॉम एसिडिक टू अल्कलाइन इन्वायरमेंट में हम क्या कहते हैं प्रोसीड्स कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है आपका डिजोल्यूशन का रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम अगर पीएच डिक्रीज हो रहा है मींस पीएच इंक्रीज हो रहा है मींस आपका एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम हो रहा है मतलब सी ए कार्बोनेट आपका प्रेसिपिटेट हो रहा है। तो ये फर्स्ट कर्व किसके लिए है, कैल्केरियस मैटर्स के लिए है, कैल्केरियस मैटर्स। तो हम ये ग्राफ किसके लिए है, कैल्केरियस मैटर के लिए, कि आपका जब पीएच इंक्रीज होगा, पीएच इंक्रीज होगा मतलब एनवायरनमेंट कैसा होगा, अल्कलाइन होगा, फ्रॉम एसिडिक टू अल्कलाइन एनवायरनमेंट में जब प्रोसीड करेगा तो क्या होगा, कैल्केरियस मैटर्स क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट करते हैं। अगर अपोजिट देख लीजिए, फ्रॉम अल्कलाइन एनवायरनमेंट टू एसिडिक एनवायरनमेंट, एसिडिक एनवायरनमेंट में जैसे जैसे आएंगे तो आपका डिजोल्यूशन का रेट क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है आपका कैल्केरियस मैटर। सिमिलरली जो एसिडिक एनवायरनमेंट में प्रेसिपिटेट होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली क्या होते हैं, सिलीसियस होते हैं, सिलीसियस आपके वो क्या होंगे, सिलीसियस होंगे। सिलीसियस मैटर्स क्या होंगे कि आपका जो अल्कलाइन एनवायरनमेंट में वो डिजोल्व होंगे बट इन एसिडिक एनवायरनमेंट वो क्या होंगे, प्रेसिपिटेट होंगे। तो ये ग्राफ आपके लिए इजी होगा कि मेमोराइज करने के लिए, ये ग्राफ आप बना सकते हैं अपने कॉपी पे और इसे मेमोराइज करने के लिए। तो ये ओवरऑल क्या था, एक आपका केमिकल एनवायरनमेंट था कि फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ डेड बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये होपफुली आपको पूरा समझ में आया हो। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, मोड ऑफ प्रिजर्वेशन, कि आपके सॉफ्ट पार्ट्स या हार्ड बॉडी पार्ट्स कैसे कैसे प्रिजर्व होते हैं, या बॉडी पार्ट्स प्रिजर्व होते हैं, या डायरेक्ट फॉसिल्स क्या हैं, इनडायरेक्ट फॉसिल्स जो हम प्रीवियस डिस्कस किए थे अभी उसको यहाँ पे ब्रीफली करेंगे कि या तो डायरेक्ट फॉसिल्स कैसे प्रिजर्व होते हैं, इनडायरेक्ट फॉसिल्स कैसे प्रिजर्व होते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, मोड ऑफ प्रिजर्व। आज के लिए फिलहाल इतना ही, अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और बने रहिए एएस के साथ।